हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बनाने चल रहे हैं तड़के वाली मूंग की दाल। तो दोस्तों, हम इसमें तड़के वाली मूंग की दाल बनाने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं। यहाँ पे हमने दो प्याज लेके बारीक काट लिया है, और यहाँ पे हमने दो मिर्ची ले ली है काट के, और यहाँ पे हमने आधा चम्मच से भी कम, मैंने यहाँ पे एक चौथाई चम्मच के आसपास में हींग ले रखी है, और मैंने आधा चम्मच यहाँ पे जीरा लिया हुआ है। यहाँ पे हमने दो बारीक मीडियम साइज के टमाटर को काट के रखा हुआ है, और मूंग की दाल को हमने भिगो करके हमने इसे आधे घंटे के लिए भिगो दिया और इसे वॉश करके रख लिया है। तो आइए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने इसमें दो बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है, और अब हम इसमें जीरा और हींग को डाल देंगे, और हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों, अच्छे से हम इन्हें चटकने तक के लिए पकाएंगे। दोस्तों, ये दाल जल्दी बनकर तैयार होती है फटाफट, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो जीरा हमारा पक गया है, अब हम इसमें कटी हुई बारीक प्याज और मिर्ची को डाल देंगे। दोस्तों, हमने इसमें प्याज को डाल दिया है, मिर्च को, अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। थोड़े तक नहीं भूनना है हमें, इसका थोड़ा सा पानी सिर्फ कच्चापन जो इसका होता है, हमें सिर्फ उतना तक ही पकाना है कि इसका कच्चापन हो जाए। और यहाँ पे हमने अदरक और लहसुन को कूट लिया है बारीक, और हम इसको भी इसमें डाल देंगे। पक गई है, और अब हम इसमें टमाटर को डाल देंगे। तो टमाटर को भी हमें ज़्यादा घुलाना नहीं है, इतना नहीं बस पकाना है कि ये घुल जाए, हमें इसका बस थोड़ा सा आधा कच्चा आधे पक्के जैसा पकाना है। हमने इसमें हल्दी डाल दिया है, और मेरे पास यहाँ पे मिक्स मसाला पैकेट पड़ा हुआ है, तो मैं ये मिक्स मसाला पैकेट डाल रही हूँ इसमें। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला आप यूज कर सकते हैं। मिनट तक भूनना है अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, टमाटर हमारा थोड़ा थोड़ा पक गया है, अब हम इसमें दाल को ऐड करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मूंग की दाल में और भी दाल मिक्स करनी है तो आप इसमें और भी दाल ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास मूंग की दाल थी, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ मूंग की दाल यूज की है। आप इसमें मसूर की दाल, उड़द की दाल भी मिक्स कर सकते हो, और इसे भिगो के फिर आप यूज करो। हो गया, अब हम इसमें दाल को डाल देंगे। दोस्तों, इसमें हमने दाल को डाल दिया, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट तक हम इसे भूनना है, क्योंकि टमाटर में हमारे पानी ऑलरेडी छोड़ता है, तो इसीलिए हमें इसे 5 मिनट तक इसी तरीके से दाल को भूनना है। हो गए हैं, दाल भी हमारी थोड़ी थोड़ी घुल रही है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर रहे हैं, और इसमें अभी हम 1 गिलास पानी और डालेंगे, क्योंकि मूंग की दाल गाढ़ी होती है, इसलिए हम थोड़ा इसमें पानी और ऐड करेंगे। तो 1 गिलास पानी डाला था, और हमने थोड़ा सा कम यहाँ पे 1 गिलास पानी और लिया है, और हम इसमें इसको डाल देंगे, और इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल करके और ढक्कन को बंद करके 2 सीटी आने तक को पकाएंगे। दाल हमारी कितनी बढ़िया पककर तैयार हो गई है, और अब हम इसमें तड़का मारेंगे। तो तड़का मारने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? तो दोस्तों, तड़का मारने के लिए हमने यहाँ पे एक बारीक प्याज काट के ले लिया है, और 1 बारीक टमाटर, यहाँ पे हमने 6 से 7 कड़ी पत्ता, और 1 चम्मच जीरा, 3 सूखी मिर्च और धनिया काट करके ले लिया। कढ़ाई में गर्म हो गई है, अभी हम इसमें तेल डाल चुका है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। और अब हम इसमें मिर्ची और कड़ी पत्ता डाल देंगे, और इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। तो दोस्तों, प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, और अच्छे से इसे हम भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। गोल्डन ब्राउन हो गई है, और अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। दोस्तों, टमाटर हमारा अच्छे से जलने तक पकाएंगे इसे। उसके बाद अभी हम इसमें आधे चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। तो दोस्तों, टमाटर हमारा गल गया है, अभी हम इसमें बारीक कटी हुई धनिया डाल देंगे, और इसे भी हम इसी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब टमाटर हमारा अच्छे से गल गया है, और अब हम इसे दाल में मिक्स कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, दाल अच्छे से कंप्लीट हो गई है, अब आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि आप दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी।